नमस्कार दर्शकों, केएनएन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सागर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इस मंदिर निर्माण के निमित्त और सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से निकाली जा रही समरसता यात्राओं में से रूट क्रमांक 5 की समरसता यात्रा सोमवार रात टीकमगढ़ पहुंची। मंगलवार की सुबह जिला अस्पताल चौराहे से यात्रा की शुरुआत की गई। इसके बाद यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए राजमहल पहुंची। विधायक राकेश गिरी ने सिर पर चरण पादुका रखकर समरसता यात्रा में भागीदारी की। इस दौरान विधायक राकेश गिरी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित नगर वासियों के साथ ढोल नगाड़े और कलश यात्रा के जरिए पुष्प वर्षा कर समरसता यात्रा का भव्य स्वागत किया। प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में संत रविदास जी का सबसे बड़ा मंदिर सागर के मकरोनिया से सटे बड़पड़ा में 35 करोड़ 102 करोड़ की लागत से 35 एकड़ में बनाया जा रहा है, जिसके लिए हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री उनका पूरी अहरवाद समाज की ओर से आभार धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में इस मंच पर विराजमान टीकमगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई साहब राकेश गिरी जी, टीकमगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय भाई साहब के श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब अमित लोना जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब अशोक गोयल जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब रानू खरे जी, मनोज देवरिया जी और रितेश भदौरा जी और भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री वह आदरणीय भैया अश्वनी चरार जी, आशुतोष भट्ट जी एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय चाचा दामोदर हरवार जी, श्री विकास यादव जी नगर मंडल के अध्यक्ष रोहित जैन बैसाखिया जी, बड़े भैया प्रजातंत्र गंगेले कि संत रविदास जी के अनुयायी का भारतीय जनता पार्टी को हमेशा समर्थन मिला है और समर्थन की वजह से आज हम लोग यहाँ से भाषण देकर संबोधन कर रहे हैं। यह सौभाग्य संत रविदास जी के जो अनुयायी है उनके द्वारा हम सबको आशीर्वाद देकर यह मौका दिया गया है और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए समरसता यात्रा के माध्यम से और आप भी उसमें सहयोगी बने। और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि 12 तारीख को जो हमारे टीकमगढ़ जिले को 10,000 लोगों को पहुंचने का लक्ष्य मिला है, उन 10,000 लोगों में आप भी शामिल होइए, आप भी साक्षी बनिए और 12 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पधार कर संत रविदास जी के मंदिर के भव्य निर्माण को सफल बनाइए, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने जो संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण का मंदिर निर्माण नाम रखा है, इसका नाम संत शिरोमणि रविदास धाम कर दिया जाए ताकि पूरे देश के लोग यहाँ करने के लिए आए, क्योंकि यह मंदिर पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बना है। यदि बनने जा रहा है तो हमारी मध्य प्रदेश की धरा, हमारी सागर संभाग की धरा, सागर जिले में बनने जा रहा है, इसलिए इसका नाम संत शिरोमणि धाम रख दिया जाए और यह निर्माण एक वर्ष में पूरा होगा और हम सब संत शिरोमणि दास जी के दर्शन करने, आदिश करने के लिए इस धाम पर जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से, सरकार की ओर से आप सबके प्रति साधुवाद करता हूँ। बोलो मन चंगा तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, भारत माता की जय, भारत जय माता।